इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स है, ये प्रूव करना है। तो इस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दिमाग तो यही चलना चाहिए कि यहाँ पे आरगेट में क्या लेके आना है, साइन इनवर्स x लेके आना है, मतलब वही पुट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। पुट वाला कॉन्सेप्ट क्या मतलब, यहाँ पे जो x की जगह है वो हम क्या रख दें, यहाँ पे साइन थीटा रख दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एल एच एस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टेकिंग एल एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स लिखा, ये 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख देना है। ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना था, क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स, यहां पर कितना आएगा आपके पास 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो गया आपके पास, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट आपके पास साइन इनवर्स हो गया, ये आपके पास 2 साइन थीटा हो गया, और ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला है, कॉस थीटा। ये देखो फिर से एक आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ये तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख दिया, ये लिखा हुआ था, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब जो पुट करी थी वैल्यू उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो कितनी हो गई 2 साइन इनवर्स x, क्या चाहिए था हमें आगे उसमें, वही चाहिए था 2 साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस